छतरपुर शहर में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा अपने अमले के साथ बाइक से नगर भ्रमण पर निकले और नगर में चल रही गतिविधियों का जायजा लिया। साथ ही रामनवमी में जो शोभा यात्रा निकलती है उसको लेकर भी निरीक्षण किया गया। पुलिस की ये बाइक मार्च शहर के छत्रसाल चौराहे से शुरू हुआ और जो कि प्रमुख मार्गों से होते हुए दोबारा छत्रसाल पहुंची। आपको बता दें कि रामनवमी और अन्य त्योहारों को देखते हुए शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये फ्लैग मार्च निकाला गया था। फ्लैग मार्च में रक्षित निरीक्षक सहित 3 थानों के थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि रामनवमी और रमजान माह एक साथ होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही आपराधिक तत्वों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है और हाल ही जघन्य मामलों में जेल से छूटकर आए लोगों पर नजर भी रखी जा रही है। छतरपुर जिले में अभी नवरात्रे और जो रमज़ान का माह है वो इस बार एक साथ है और हमारा जो उद्देश्य है फ्लैग मार्च का, एरिया डोमिनेशन का, वो यही है कि सभी लोग सौहार्दपूर्वक और सहजता सरलता के साथ इस पर्व को बनाएं। जो हुड़दंगी हैं या जो एंटी सोशल एलिमेंट टाइप के लोग हैं जो ऐसे मौक़ों पे भीड़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को लगातार हम चिन्हित कर रहे हैं। और इस बार पिछले जो जिला बदर और NSA की जो कार्रवाई होती है वो हम रिकॉर्ड तोड़ कर रहे हैं। पिछले पूरे साल में जो हमने कार्रवाइयाँ जो संख्यात्मक की थी या पिछले 10 साल के जितने भी हाईएस्ट जिला बदर रहे हैं वो हमने पिछले 3 महीने के अंदर इस साल किए हैं। सर, आने वाले त्यौहार में कुछ लोग खलल डाल देते हैं, इससे आते हुए कुछ लोग अनजाने में सोशल मीडिया पे और अन्यथा भी कम ज्ञान में लड़ाई या विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसे सभी लोगों पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। कोई भी स्थिति बनती है तो हमारे पास पर्याप्त बल है, संसाधन है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए छतरपुर पुलिस बल तैयार है। वरदाना एक्सप्रेस के लिए राहुल माली की रिपोर्ट।